हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे क्लास फेलो रहे हो। अच्छी बात है, दरअसल मैंने भी नहीं देखे इतने खूबसूरत डीसी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इनको देख करके ये ही नहीं पता चल रहा है कि इनकी बारात गई होगी कि आई होगी। मैं बिल्कुल मजा है, मेरे सामने बैठना बड़ा दुष्कर होता है। आज टाइम कम है, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, आज टाइम कम है इसलिए 1 घंटे 55 मिनट पढ़ूंगा। क्योंकि टाइम कम है, निकल जा, तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे जन्माष्टमी बारात के लिए जा रहे हो। मनमोहन तो खाली पड़ेगा जी, टाइम कम। क्या चाल है, अरे तो मनमोहन अपना टाइम पूरा कर गया, मेरा थोड़ी कर गया है। खाम खा की बातें कर रहे हैं यार, बीच में देख, बीच में मत बोल पे बार बार, बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं ट्रेन से आ रहा था तो 2 आदमियों में झगड़ा हो गया। एक ने कहा ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 32 दांत निकाल लूंगा, दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा 64 निकाल लूंगा। तो एक ऐसा बैठा था तीसरा, वो बोला यार दांत 32 होते हैं, तू 64 निकाल कहां से लेगा। उसने कहा मुझे पता थी कि तू बीच में बोलेगा, मैंने तेरे भी गिन लिए हैं, बीच में मत बोल, मस्ती की बात होने दे। डीसी साहब बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं मंत्री जी बैठे हुए हैं बार बार, अब यहाँ पे कोई उल्टी सीधी बात निकल जाए और इसमें रिकॉर्ड हो जाए तो मंत्री जी की जान से तो आपसे लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। अरे है क्या है, मध्य प्रदेश में देखा आपने, वो बाबूलाल गौड़ ने बेचारे ने जरा सा ही ऐसे किया था। पूरा प्रेस पीछे पड़ा हुआ, आजकल बड़ा मुश्किल है मंत्री जी। लेकिन मैं मंत्री जी हंसाने की भी बात करूंगा और मैं सत्य बात कहता हूं कि मैं आपके सामने हूं, आप उस वंश को बिलोंग करते हैं कि जो हमारे वंश के सबसे ऊंचे होते हैं, आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाए। बजवा रहा हूँ दूसरे के नाम पे, क्योंकि मेरे नाम पे तो कोई बजा नहीं रहा। सरदारों के वो गिरे हुए हैं, तुम समझ नहीं रहे बात को, सरदारों के भाव गिरे हुए हैं, जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं, इसको निकल जाने दो। नहीं, सरदारों का मुकद्दर खराब है भैया, कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। देख लो अब यही बाधा आ गई, मैं इतना इंतजार इतनी देर से कर रहा था। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधियाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं, इस सदन के अंतर्गत अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय आज से 68 साल पहले लिया गया होता, और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो इस देश का नक्शा ही कुछ और। मनीष कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, जो कुछ करना है यही करो। बड़ी मुश्किल से तो मेरा नंबर आया है और तुम उठ करके चल। मुझे पता है मनीष अग्रवाल इस देश की सबसे सियाणी कौम है, अग्रवाल। क्या बात है, मैं सही कह रहा हूँ सर, कोई खून नहीं, कोई खराबा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जीत अपनी। मैं उदाहरण से बताता हूँ, हमारे यहाँ की कौम है सर ये, गांव गांव पहलवानी होती है। एक गांव में पहलवान आ गया, बोलो कोई कुश्ती लड़ो, गांव में पहलवान नहीं। लोगों ने कहा गांव की नाक कट गई, तो बोले चलो अग्रवाल साहब के पास। चले गए अग्रवाल साहब, बैठे हुए, बोले जी नाक कट गई गांव की, कैसे के गांव में पहलवान आ गया है और पहलवान कोई है नहीं गांव में। अग्रवाल साहब बोले नाक तो नहीं कटेगी, बोले क्यों? कुश्ती में लड़ूंगा। लोगों ने कही पहले तो जाने कट रही थी कि नहीं कट रही थी, अब जरूर कटेगी। लेकिन कुश्ती शुरू हुई, डीसी साहब सुनना कहाँ बैठे, हाथ उठा के बताए मुझे जरा, मेरा सूत तो भी बनेगा। हाँ सर, पहले कुश्ती शुरू हुई, अब मस्ती लेना, देखे कितने अपनी होशियारी की बात बता रहा हूँ इनकी। कुश्ती शुरू हुई,
पहलवान तो पहलवान, उसने अग्रवाल साहब को कंधे पर उठा लिया पटकने के लिए। अब सीन ये बना कि अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब पहलवान के कान में बोले, बेटा 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान तो साला कान आंखें बदलने लग गया, बोले देख ले 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। उसकी समझ में आ गई, उसने उल्टा दाव मारा, पहलवान खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया अग्रवाल साहब के पास, बोला 10 लाख। बोले काहे की? अरे बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था, चित्त हो जा 10 लाख दूंगा। बोले बेटा तालियां उठाना। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया। भैया दाव से तो बचना ही पड़ेगा ना। दे बैठ जा भाई साहब। ए लड़के तू इधर उधर मत घूमे, बैठ जा, मुझे डर लगता है। नहीं तुम समझ नहीं रहे, आजकल सरदारों की जो थोड़ी सी कम चल रही है ना, जब हम सरकार थी तब किसी ने नहीं सुनी, अब नहीं है सरकार तब भी कोई नहीं सुन रहा है, ये कोई बात थोड़ी होती, कभी तो सुनाओ। मैं आऊंगा एक बढ़िया बात बताता हूँ। एक अंग्रेज आया, बोले सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले, तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं देश ही लगाता हूँ भाई साहब, सुना। हाँ बोल। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं क्या तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। बोला कैसे? मैं बताता हूँ। मैं टूथ ब्रश करते हो? बोले करते। मैं ब्रश खराब हो जाता तो क्या करते हो? बोले फेंक देते। मैं हुआ ना यूज एंड थ्रो। अरे बोले तुम इंडियंस क्या करते हैं? मैं करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, जब बाल खराब हो जाते हैं तो एक बार कैंची से फिर काट के सीधे कर लेते हैं, फिर करते रहते हैं, फिर हम उसको फेंकते नहीं जब बिल्कुल खराब हो जाता है, उसका आगे का हिस्सा काट के अलग कर देते हैं और पीछे वाले हिस्से को पायजामा में नाड़ा डालने का यंत्र बना लेते हैं। इंडियन आदमी सर 100% जुगाड़ू होता है, सिगरेट फूक जाए तो 15 मिनट तो फिल्टर से ही मजा लेता है। ये ब्रांड है, सुनना मस्ती लेना। ये देशभक्ति की बात ज्यादा कर रहे हैं, सुनना मंत्री जी, मेरी देशभक्ति, ये देशभक्ति की, इसको मारो उसको करो, माँ चलो कश्मीर चलो, देशभक्ति ऐसे होती है। अंग्रेज मेरे से बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होता है, ऊपर जो सैफरन कलर जो केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? मैं क्या उल्लू के पट्टे, अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये साले तेरे बाप का है क्या है? अरे दिखाया क्या, वो तो मेरे पीछे पड़ गया। दरअसल क्या, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना था, दिखाना चाहता था सर। तो एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने कहा सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला? फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना बड़ा? मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मैं देखना चाहता हूं जामताड़ा के लोग, आपके दिलों में कितना हिंदुस्तान बसता है। मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मैं देखता हूं कि आप इतिहास के बारे में कितना जानते हैं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला दुनिया की सबसे बहादुर कौम अंग्रेज। मैं कहा नहीं, दुनिया की सबसे बहादुर कौम हिंदुस्तानी। बोला अंग्रेज लड़ाइयों में शहीद ज्यादा हुआ है? मैंने कहा हिंदुस्तानी ज्यादा शहीद हुए हैं। बोला अंग्रेज, मैंने कहा हिंदुस्तानी। बोला अंग्रेज, मैंने कहा हिंदुस्तानी। उससे बोला एक काम करो, अपने शहीद का नाम गिनाओ और गाल पे एक थप्पड़ मारो। मैं कहा पक्की?
बोला मिस्टर हेडली, उसने तो जड़ दिया मेरे गाल बताड़। मैंने कहा शहीद ऊधम सिंह, मैंने भी ठोकी कान के नीचे ताड़। बोला मिस्टर डी बेलारा, उसने फिर दिया मेरे गाल पे। मैंने कहा शहीद भगत सिंह, मैंने फिर ठोकी कान के नीचे ताड़। बोला मिस्टर ड्रैंकलिन, मिस्टर फ्रैंकलिन, उसने दो इकट्ठे मारे मेरे गाल पे। मैंने कहा साले तेने दो इकट्ठे मारे, तू फाउल हो गया। कहता नो फाउल, सावधान रहना, बताना मुझे आप तक बात पहुंची। कहता नो फाउल, मैं कहा नो फाउल, मैं शुरू हुआ। मैंने किसी को टोका नहीं था, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। हाँ, माइक घर ले जाऊंगा, हाँ मैं वहां सुनाने लगूंगा। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, रहने रहने, नहीं आएगा गौरव, तू रहने दे, तू तो इस किसी बहाने से इस कुर्सी पे से खड़ा हो जाए कर, क्योंकि इस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। ये बड़ा विचित्र प्राणी है, इसे मुझे लेने के लिए भेज दिया पट्टे को। और भाई साहब मैं कैप लगाए हुए था, पता है मनीष, मैं कैप लगाया हुआ था। इसने एक सरदार को पकड़ लिया और जबरदस्ती बिठा लिया उसको, वो छूट छूट के भागे। सच कह रहा हूं। तो मैंने इसे कहा, मैंने कि भैया तू जिसे लेने आया वो मैं हूं। इसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं नहीं चलो हटो। तो बाद में मैंने बताई, तब ये मुझे लेकर के आया। मैं सही कर, सभी सरदार एक जैसे ही लगते हैं, जितने चुटकुले हैं सब सरदारों में पढ़े जाते हैं। एक आईक्यू का चुटकुला पढ़ता हूं, आपकी समझ में आ गई तो मुझे बताना। मैं वैसे जोक नहीं पढ़ता हूं, मैं जो भी क्रिएटेड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मेरी बातों से जुड़े होते हैं, किसी मैसेज से जुड़े होते हैं, हिंदुस्तान से जुड़े होते हैं। मैं माइथोलॉजी से हंस निकाल के बताता हूं आपको। चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला, वो कौन मुझे पता थी इधर ही है। सबसे पहले उन्होंने बैठ जा, सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबिल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। आई की ऊंचा करना, मस्ती लेना, बहुत माइथोलॉजी से हाथ निकाल के दे रहा हूं, कोई नहीं निकाल के देगा। उन्होंने बाइबिल मंगाई और गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया, फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया, जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, मुझे बताना आप तक बात पहुंच रही है, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा, उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले एक साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई एक साल की छुट्टी क्यों, आई की ऊंचा करना, मुझे बताना कि आप तक मेरी बात पहुंची। बोले भाई एक साल की छुट्टी क्यों, बोले जी इष्ट मनाने आई हूं। कहते यार इन्होंने तो एक एक मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। एक मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, आपकी बात समझ में आ जाए तो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार, सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले इस खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। भाई एक बार पूरा सदन हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाओ। चलिए मैं थोड़ा और हंसा देता हूं, फिर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। टाइम मेरा भी हो रहा है जाने का, मतलब अपने टाइम तक तो रहूंगा ऐसी बात। अरे बैठ जा,
हाँ, दरअसल क्या है सर, एक बात बताऊं, थोड़ा आई क्यों ऊंचा करना, सरदार को देखते ही और नहीं तो आदमी मुस्कुराने ही लग जाएगा। मैंने एक फल वाले से पूछा, मैं केले कैसे दिए, बोले 40 रुपए दर्जन, मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। सरदार क्या करे, बोले कब, मैंने कहा सेब कैसे दिए, बोले 5 रुपए का एक, मैं चल 10 के 2 दे दे, उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। मैं कहा यार एक बात बता, 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। सरदार क्या करे इसमें, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ताड़ियां लेना और मस्ती लेना, ठाके लेना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया, उसने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होंडा निकली थी। पर दोस्तों एक बार तालियां इस बात पर उठाओ, दुनिया की सबसे बहादुर कौम है सरदार और दुनिया की सबसे मेहनती कौम है सरदार। एक बात बता रहा हूं, अगर एक भी ताली कमजोर रह गई तो मैं समझूंगा उसमें सरदारों से भी कम दिमाग है। सबसे मेहनती कौम है सरदार इस देश की। 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर पड़ा था लुधियाने में, मंत्री जी 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने में, सरदार बचाने के लिए दौड़े, 15 लाश निकाली। मेहनती कौन है सरदार। दरअसल क्या आएगा, वो हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर गया था। भाई उन्हें मिलती रही, वो खोलते रहे। अच्छा मैं आखिरी एक जोक सरदारों पर सुना करके फिर मैं अब वो करता हूं, सुनना। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि जरा ये भी एक जोक ही है दोस्तों। इससे पहले कहने से पहले, अच्छा गलत काम कुछ कर नहीं सकते, भैया ओए तू क्या लाया, चाय लाया है क्या, चाय है, चल तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए।